सिद्धेश्वर महादेव विकास समिति और संतोषी माता मित्र मंडल के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को रक्षाबंधन के अवसर पर संतोषी माता का प्राकट्य दिवस मनाया गया। प्राकट्य दिवस उत्सव के तहत संतोषी माता मित्र मंडल द्वारा शहर के वीरात्रा माता मंदिर से सफेद आंकड़ा तक पैदल यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं सिद्धेश्वर सफेद आंकड़ा स्थित संतोषी माता मंदिर में भव्य आरती के आयोजन के साथ प्राकट्य दिवस पर कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सिद्धेश्वर महादेव विकास समिति और संतोषी माता मित्र मंडल के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को रक्षाबंधन के अवसर पर संतोषी माता का प्राकट्य दिवस मनाया गया। प्राकट्य दिवस महोत्सव के तहत संतोषी माता मित्र मंडल द्वारा शहर के वीरात्रा माता मंदिर से सफेद आंकड़ा तक पैदल यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें मित्र मंडल से जुड़ी महिलाओं और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इसके बाद सिद्धेश्वर सफेद आंकड़ा स्थित संतोषी माता मंदिर पहुंचे पैदल जत्थे ने भव्य आरती के आयोजन के साथ प्राकट्य दिवस के कार्यक्रमों का आगाज किया। इसके बाद सफेद आगरा में संतोषी माता मंदिर में मां संतोषी के प्राकट्य दिवस के मौके पर भव्य भक्ति संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें गणपत भार्गव एंड पार्टी द्वारा भजनों की सुमधुर प्रस्तुतियां दी गई। यहां महिला भजन गायक तुलसीबाई के भजनों पर महिलाएं और श्रद्धालु झूमते नजर आए। सिद्धेश्वर महादेव विकास समिति और संतोषी माता मित्र मंडल के अध्यक्ष हर नारायण रामावत ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी मां संतोषी का प्राकट्य दिवस मनाया गया, जिसमें महिलाओं बच्चों और श्रद्धालुओं ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर मां संतोषी की आराधना की। कार्यक्रम के समापन मां संतोषी की महाआरती के साथ हुआ। इसके बाद महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया। उसके आधार पर प्रतिवर्ष ये उत्सव मनाया जाता है और संतोषी मित्र मंडल और सिद्धेश्वर महादेव विकास समिति ये दोनों ट्रस्ट मिलकर के इस आयोजन को करते हैं और सारा धूमधाम से व्यवस्थित महिलाओं धार्मिक संतों धार्मिक भावना की महिलाएं पुरुष सब भाग लेते हैं और बड़े आदमी जो सजावट वगैरह होती है और सारे काम सब संस्थाएं के सदस्य मिलकर के करते हैं। यह सबका काम सबका विकास है सबका नाम एक टाइप के लोग हैं सब। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश अपनी बुआ से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे। इस दौरान भगवान गणेश के पुत्रों ने इस रस्म के बारे में पूछा, जिसका उत्तर देते हुए भगवान गणेश ने कहा कि यह धागा नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच है, जो आशीर्वाद और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक भी कहलाता है। अपने पिता की ये बातें सुनकर शुभ और लाभ ने भगवान गणेश से कहा कि ऐसा है तो हमें भी एक बहन चाहिए। यह सुनकर भगवान गणेश ने अपने शक्तियों से एक ज्योति उत्पन्न की और उनकी दोनों पत्नियों की आत्मशक्ति के साथ उसे सम्मिलित कर लिया। इस ज्योति ने एक कन्या का रूप ले लिया जो ब्रह्मांड में माँ संतोषी के नाम से प्रख्यात हुई। तभी से रक्षाबंधन के दिन माँ संतोषी का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। कार्यक्रम के दौरान आयोजन मंडल के साथ सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे।